तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर देख सकते हो, फ्लिपकार्ट का जो फ्लैगशिप सेल है या फिर जिसको फ्रीडम डे सेल कह सकते हो, वो भाई लाइव हो चुका है और सारे मोबाइल का ऑफर वाला जो प्राइस है वो निकल के आ चुका है। आज इस वीडियो में वन बाय वन सारे मोबाइल का जो ऑफर वाला प्राइस है, कौन सा मोबाइल में कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भाई अच्छी बात है, क्रेडिट कार्ड में तो डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपके लिए शानदार मौका है, क्योंकि विदाउट क्रेडिट कार्ड भी आपको इस सेल के दौरान डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो वो कैसे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे। लेकिन भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ सबसे पहले आप इस सेल के दौरान कौन सा मोबाइल लेने वाले हो, ताकि उस मोबाइल में मैं अपनी तरफ से भी डिस्काउंट ला पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक में कंजूसी मत करना और कमेंट भी जरूर से करना। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो, ये अर्ली मुझे एक्सेस मिला है, मतलब जिसके पास फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप है वो भाई अभी से ये सेल देख पाएगा। लेकिन जो लोग नॉर्मल यूजर है वो दोपहर को 12 बजे से उसके लिए सेल लाइव होगा। लेकिन जो डील में अभी बताने जा रहा हूं वही सारा डिस्काउंट आपको मिलेगा। बाकी देखो यहां पर क्रेडिट कार्ड में भी डिस्काउंट है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ में यस बैंक, ये तीन बैंक का कार्ड में डिस्काउंट है जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो भाई उस पर पेमेंट करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलो जो भी बेस्ट डील है वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो पोको M6 5G, काफी अच्छा 5G फोन जो कि 8000 में आपको मिल जाएगा और काफी अच्छा फोन है, मतलब 8000 में 5G फोन और क्या चाहिए। वीवो का T3 Lite जो कि इंडिया पे रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो आपको 9999 में मिल जाएगा, अच्छा डील है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहां पर रेडमी 13C 5G देख सकते हो, 9500 में आपको मिल जाएगा इस सेल के दौरान, तो चाहो तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये भी अच्छा डील है। CMF फोन 1 देख सकते हो आप यहाँ पर 15000 में मिल जाएगा, तो जिसको CMF या फिर नथिंग का फोन चाहिए वो चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर पोको X6 नेव देख सकते हो गाइस, प्राइस रखा है 13500, ये भी अच्छा डील है, मतलब चाहो तो चेकआउट कर सकते हो क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है। उसके बाद गाइस इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो जो कि आप देख सकते हो भाई 16000 में आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत ही तगड़ा डील है भाई, चाहो तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। पोको X6 इसका प्राइस देख सकते हो 18000 है भाई, तो ये भी आपको चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, मतलब गेमिंग फोन है। बाकी दोस्तों रेडमी नोट 13 को मैं स्किप करने के लिए कहूंगा क्योंकि ये फोन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। बाकी यहाँ पर सैमसंग का F34 भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, 13000 में मिल जाएगा। रेडमी 12 5G देख सकते हो भाई 18000 में यहाँ पर दिया जा रहा है। इन्फिनिक्स नोट 40 देख सकते हो भाई 14000 में, ये काफी अच्छा डील है। देखो यहाँ पर 3000 का मतलब एक्सचेंज ऑफर रखा है, बट चाहो तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। रियलमी P1 आप देख सकते हो गाइस 14.5 में आपको मिल जाएगा। वीवो T3 देख सकते हो भाई 17000 में आपको मिलेगा। काफी सारा कॉमेंट आ रहा था इस फोन के बारे में, तो ये भी काफी अच्छा डील है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो रियलमी P1 Pro, मेरे पास काफी कॉमेंट आ रहा था, तो ये फोन आपको 17.5 में मिलेगा, तो चाहो तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया डील है। रियलमी 12X देख सकते हो भाई यहाँ पर 11000 में मिल जाएगा। और मोटो का जो G64 है वो काफी अच्छा मतलब डिस्काउंट में 13000 में दिया जा रहा है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। जो भी बेस्ट डील है वो भी वही मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कोई भी बकवास फोन नहीं बता रहा हूँ। वीवो T3X देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपको 12.5 में मिल जाएगा, तो चाहो तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद गाइस जैसे कि देख सकते हो पोको X6 Pro जो कि आपको मिल जाएगा 23000 में, और यहाँ पर रियलमी 12 Pro Plus जिसका प्राइस रखा है 23000, वीवो T2 Pro उसका प्राइस रखा है 21000, और इन्फिनिक्स का GT20 Pro काफी सारा कॉमेंट आ रहा था, ये आपको मिल जाएगा 18000 में भाई, तो ये काफी अच्छा डील है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। मोटो H50 Ultra जो कि आपको 50000 में मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों पोको का F6 ये काफी बढ़िया डील है, ये आपको 26000 में दिया जा रहा है, तो ये भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छा गेमिंग फोन है। बाकी ये ओप्पो वाला या फिर पिक्सल वाला फोन को इग्नोर करना, रेडमी नोट 13 प्रो भी उतना बेटर नहीं लग रहा है। जो जो अच्छा डील है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो रियलमी का GT6 जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 37000 में मिलेगा, उतना कुछ अच्छा डिस्काउंट नहीं है, बट चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। गूगल पिक्सल 7 इग्नोर करो। देखो आईफोन अगर 14 प्लस लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 54000 में मिल जाएगा। और रियलमी 12 प्रो जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर 23000 प्राइस रखा है, और यहाँ पर नथिंग फोन 2A का प्राइस रखा है भाई 21000 जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद गाइस जो बिगेस्ट डील है देख सकते हो आप मोटो H50 Fusion, काफी सारा कॉमेंट आ रहा था, जो कि आपको 21000 में मिलेगा इस सेल के दौरान, और यहाँ पर मोटोरोला H50 Pro का प्राइस रखा है भाई 28000 सारे ऑफर लगा के। तो यही सारा बेस्ट डील दोस्तों फ्लिपकार्ट का ये फ्लैगशिप सेल में आया है, मतलब जो जो बेस्ट डील था वो मैं आपको वन बाय वन बता दिया। बाकी जो प्राइस मैंने आपको बताया वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद, एक्सचेंज ऑफर अप्लाई करने के बाद, कुछ कुछ मोबाइल में एक्सचेंज ऑफर भी है तभी आपको मिलेगा। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपके लिए शानदार मौका है, मैं आपको डिस्काउंट देने वाला हूं। इन्फिनिक्स नोट 45G जो कि 20000 का है वो आपको मिल जाएगा 14000 में, वो काफी बढ़िया डील है क्योंकि अभी 14000 में दिया जाए तो आपको 14000 में मिल जाएगा। कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, ऑर्डर कैसे करोगे आगे बताता हूं। लेकिन जो लाभा का ब्लेज X5G आया है दोस्तों वो 17000 में 8128 है, लेकिन वो आपको मिल जाएगा 13.5 हजार में, जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आता है भाई। और साथ में इन्फिनिक्स का जो नोट 40X आया है उसका 12GB 256GB 16000 में लॉन्च हुआ है, लेकिन वो फोन आपको मिल जाएगा
13,000 में, काफी अच्छा डिस्काउंट है भाई। ये सारे जो मैंने मोबाइल बताया इनमें कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम में जाकर मुझे फॉलो करके एक मैसेज करना पड़ेगा, मैं आपको डिस्काउंट दिला दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी दोस्तों अगर आप अमेजोन से बाय करना चाहते हो तो अमेजोन का वीडियो ऑलरेडी मैंने कल चैनल पर डाल दिया है, जो भी बेस्ट डील है वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी फ्लिपकार्ट में जो बेस्ट डील था वो भी मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया। बाकी देखो दोनों प्लेटफॉर्म का एक अलग से वीडियो चैनल पर आने वाला है, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म लेके कौन सा मोबाइल बेस्ट होगा, कौन सा मोबाइल में ज्यादा डिस्काउंट है, किस तरीके से आप ऑफर लगाओगे, तो वो वीडियो मिस मत करना। उसके लिए भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, और कमेंट करके मुझे बताना भाई आप कौन सा मोबाइल लेना चाहते हो या फिर लेने वाले हो, ताकि मैं उसमें डिस्काउंट ला पाऊं, तो कमेंट मुझे जरूर से करना। और जाने से पहले ना ये वाला वीडियो देखना चाहो तो ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून दोस्तों।